आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इस दुनिया में एक ही बार आए हैं। हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए। इस दुनिया में गम भी हैं और खुशियाँ भी हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी गम के सहारे गुजारें या खुशियों के सहारे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप खुश हो? अगर जवाब हाँ है तो इसकी वजह आप खुद हो। ये किसी का एहसान नहीं है आप पे। और अगर आप खुश नहीं हो तो फिर अपने ऊपर एहसान करो, अपने लिए खुशियाँ पैदा करो, खुश रहने की वजह पैदा करो, खुशियों का दरवाज़ा खोलो अपने ऊपर। मैंने खुशियों का दरवाज़ा अपने ऊपर कैसे खोला है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग रखे हुए हैं जो मुझसे एडिट नहीं हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज मैं जा रही हूँ अपने चाइनीज़ फ्रेंड से मिलने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग करूँ। तो मैंने अभी रूम से मैंने नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, बट जब मैं अभी जा रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लेती हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो खैर, अभी मेरी जो चाइनीज़ फ्रेंड है वो किसी और सिटी से आई है, उसके जो हस्बैंड है ना उसकी मीटिंग थी हमारे सिटी में, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ही आई है। लेकिन उसके हस्बैंड की मीटिंग उसके दोस्तों के साथ है कहीं और वो अकेली थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, मिलते हैं, साथ डिनर करते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैं हॉस्पिटल में थी उस टाइम, मैं इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में थी, तो मैंने उसे कहा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। फिर मैंने सोचा यार वो जितनी बार भी आती है ठीक है तो मैं बिज़ी होती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तो मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके रूम वापस आ गई। अभी नहा धो के तैयार हो के जा रही हूँ उससे मिलने। अगर वो कंफर्टेबल हुई कैमरे पे आने के लिए सो मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी उसे ज़रूर। खैर फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं, तो आप लोग भी साथ रहें, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि नो आइडिया। मैं जवाद और अरसलान के बगैर पहली दफ़ा चाइनीज़ से मिल रही हूँ, क्योंकि हमेशा उनके साथ मिलती हूँ तो वो बोलते हैं हम बस चुप ही रहते हैं पीछे पीछे, ठीक है। तो पहली दफ़ा मैं उनके बगैर मिल रही हूँ तो मुझे खुद आगे होना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है। देती हूँ कि मैं अभी आ गई हूँ, हमने अभी थोड़ा सा खाना खाया है और थोड़ा सा खा रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, तो खाने में मतलब बहुत कुछ है और कुछ भी आराम नहीं है, सब हलाल है, लेकिन हलाल में भी मैं सारा कुछ नहीं खा सकती। सो मैं सिर्फ फ़िश खा रही हूँ, और साथ में जमीला है मेरे, और जमीला से मिलो, जमीला से हाय। ओके सो ये मेरी चाइनीज़ फ्रेंड है, ओके सो अभी मैं खाना खा लूँ फिर उसके बाद बातें करेंगे। तो बात हो रही थी खुशियों का दरवाज़ा खुलने की। मैंने अपने ऊपर खुशियों का दरवाज़ा इस तरह खोला है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे वजूद से किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास के लोगों को हमेशा मुझसे खुशियाँ मिले। मेरे इस दोस्त की बर्थडे थी इसके सिटी, तो इसके शहर में जो इसके नज़दीक छोटा सा बेकरी है वहाँ से मैंने इसके घर केक भिजवाया था। शायद उस केक भिजवाने ने इसको इतनी खुशी दी है कि ये अपने दिल से अपने शहर से मेरे शहर आई है, इसने यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से इस खुशी की वजह मैं खुद बनी, मैंने उसे खुशी दी तो उसने भी बदले में मुझे खुशी दी। तो आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखें, उन्हें खुशियाँ दें ताकि वो भी आप लोगों को बदले में खुशियाँ दें। अभी जहाँ पर हम खाना खा रहे थे ना वहाँ से निकल के ये मुझे कहीं और लेकर आई है, और वहाँ पे इसने मेरे लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज की है जहाँ पे केक है और ये कैप पहनाया है। यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब चाइनीज़ इतने अच्छे होते हैं। वो किसी और सिटी से है और उसे पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे। वाह,
wishing for your happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my Jan. Happy birthday to you. मेरी बर्थडे थी, ठीक है, जो हो गई है. मेरी बर्थडे नेक्स्ट मंथ है, बट मेरी चाइनीज़ फ्रेंड आउट ऑफ सिटी रहती है. सो इसने सोचा कि आज मैं आ रही हूँ तो मैं माजान की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब मैं कह रही थी बस जस्ट हम साथ डिनर करेंगे, बस दैट्स इट. लेकिन ये डिनर करने से पहले ही आ गई, समझो हमने लंच किए अभी. तो उसके बाद डायरेक्ट जिसने मुझे बोला चलो कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने कहा कॉफ़ी पीना है, चले कोई बात नहीं. तो मैंने कहा मैं पिला देती हूँ क्योंकि इसने खाना खिला दिया. सो यहाँ पे आए तो यहाँ पे बर्थडे का सब कुछ रेडी था. लाइक मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस टाइम. अचानक से ना मैं वीडियो बनाना स्टार्ट ही कर रही थी, अंदर आ रही थी तो मैंने देखा तो मुझे फ़ील हुआ. फिर मैंने कहा ओह माय गॉड यार, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती. अभी हम यहाँ पे बैठे थे ना, तो ये सारे कंट्रीज़ के नेम लगे हुए. तो मैंने यहाँ पे जो है ना ईरान ढूँढा, ठीक है, ये रहा ईरान, और ईरान के साथ ही पाकिस्तान है, और साथ ये है चाइना. बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से. ये सारे कंट्री हैं. अभी हम यहाँ जूस शॉप पे बैठे हैं. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. लाइक भले ये सरप्राइज़ है, लेकिन मुझे इतना किसी से ख़र्चा करवाना नहीं अच्छा लगता. मैं अपने घर में किसी को मतलब इतना ख़र्चा करने नहीं देती. मेरे लिए वो मुझे लाइक बर्थडे पार्टी के बाद, लाइक उसने मुझे सरप्राइज़ केक दिया था, उसके बाद वो अभी मुझे मॉल लेकर आई है, और वो मुझे गोल्ड के शॉप पर लेकर आ रही है, और वो मुझे कह रही है कुछ गोल्ड का ख़रीदो. और मैंने मतलब तकरीबन आप यकीन करो एक घंटा हो गया मैं उसको मना करे जा रही हूँ, लेकिन वो इस दुकान से उठ ही नहीं रही थी. फाइनली उसने जो है ना कुछ ज़बरदस्ती, तो मैंने कोशिश किया कुछ छोटा सा लूँ, बिल्कुल छोटा, जो बहुत मतलब ज़्यादा का ना हो, लेकिन फिर भी मेरे नज़र में बहुत महंगा है वो. उसने मुझे एक नेकलेस छोटा सा दिलाया है, अब बहुत महंगा है. मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. मैं क्या कहूँ, मतलब वो मान ही नहीं रही, वो उठ ही नहीं रही उस जगह से. मुझे बहुत अजीब लग रहा है. मतलब मेरे बर्थडे में अभी एक मंथ है, और मुझे वो वाली फीलिंग्स अभी नहीं आई थी. मैं मेंटली तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए कि मैं गिफ्ट लूँ या गिफ्ट एक्सेप्ट करूँ. लेकिन मतलब एक चीज़ होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मैं देख रही हूँ वो चाइनीज़ है, उस मतलब उसका मेरा जस्ट फ्रेंडशिप एक रिलेशन है, लेकिन फिर भी मतलब इतना उसको मेरी फिक्र है और सारा कुछ. उसे यकीन है कि वो मेरे बर्थडे के टाइम पे यहाँ पे नहीं होगी, तो वो मेरे लिए सारा प्लान कर रही है. लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं नेकलेस लूँ, तो फिर मैंने चेंज करके बस छोटा सा, फिर उसने कहा चलें ब्रेसलेट ले लें, मैं तुम्हारे हाथों में जो है ना खुद पहनाऊँगी, बांधूँगी, ये हमारे फ्रेंडशिप की निशानी होगी. मैंने कहा चलें ठीक है. तो अभी ये छोटा सा हिरन है, अगर आप लोगों को पता नहीं समझ आएगा. अच्छा, तो ये अभी ये बना रही है, फिर ये मेरे हाथों में बांधेगी, जो कि हम दोनों की फ्रेंडशिप की निशानी होगी मेरे पास. तो दैट्स इट. बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत. इवन मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इन्जॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन फिर भी मैंने इतना थोड़ा थोड़ा सा करके व्लॉग बनाया था कि ये यादगार चीज़ हो मेरे पास. अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम उसको लेकर जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन. हम उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ेंगे, वहाँ से उसकी ट्रेन है उसके सिटी तक, फिर हम दोबारा अपने यूनिवर्सिटी जाएँगे.
हम लोग अभी जो है ना ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी उसके ट्रेन का टाइम हो रहा है क्योंकि आगे से एक और सिटी में मतलब उसका जो हस्बैंड है वो वेट कर रहा है, वो यहाँ से पहले ही चला गया। तो अब हम इसे छोड़ने आए हैं, ये भी यहाँ से जाएगी। अब मैं भी व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि तुम्हारे चाइनीज़ फ्रेंड हैं नहीं है, पूछते रहते थे। लेकिन देखें, हर किसी का ऐसा होता है ना, हर कोई व्लॉग में नहीं आना चाहता। और मेरे वैसे भी चाइनीज़ इतने फ्रेंड नहीं है, मेरे दो ही फ्रेंड है चाइनीज़, एक ये और एक और है। कभी मैं देखूँगी, अगर टाइम मिला मैं उससे भी आप लोगों को मिलवाऊँगी। बट उनका यह है कि उन्हें ना इंग्लिश इतनी नहीं आती, तो फिर वो क्या बोलें वीडियो में। सो इसीलिए मतलब मैं वीडियो नहीं बनाती। बर्थडे भी हो गई है और ये भी जा रही है। आज का दिन बहुत बिजी गया है, सुबह हॉस्पिटल और अभी फिर ये सारा कुछ। ठीक है, फिर अभी ये व्लॉग मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग मेरे लिए दुआएं करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।